वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 25 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। कल एक प्रश्न पूछा था लास्ट वीडियो में, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे जो हैं पीएम है श्रीलंका के वर्तमान में, और इनके जो भाई हैं छोटे वो गोताबाया राजपक्षे, वो वहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। तो पहली बार भाई भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं किसी देश के। तो देखिए, महिंद्रा राजपक्षे जो हैं वो नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। महिंद्रा राजपक्षे नव निर्वाचित राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के बड़े भाई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया? हाल ही में मनाया गया है 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, 25 नवंबर को मनाया गया और हर साल ये सन 2000 से सेलिब्रेटेड किया जाता है एवरी ईयर। बात आती है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है, और कुछ इस तरह का इसका पोस्टर दिखता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका पोस्टर कुछ इस तरह का दिखाई देता है जैसे हमारा संसद का दिखाई देता है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है, और यही केवल सर्वांगीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम्प्रतिनिधित्व होता है। ध्यान से सुनिएगा, सम्प्रतिनिधित्व। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों पर तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्य परिधि में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। अगर बात आती है इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप में। कहाँ पर है ये? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और वर्तमान में जो इसके सदस्य कंट्री हैं वो 193 कंट्री हैं, 193 सदस्य इसके देश हैं। और जो इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं जो इनके अंदर चलती हैं वो अरबी है, अंग्रेजी है, चीनी है, फ्रांसीसी है, और रूसी है, और स्पेनी है। यहाँ चीनी को रेमिनबी भी बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये भाषाएं हैं, कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनाइटेड नेशंस की भाषा नहीं है, तो अरबी है, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी है, चीनी है, फ्रांसीसी है, रूसी है, स्पेनी है, हिंदी नहीं है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। तो ये 3-4 बुलेट पॉइंट हैं, याद रखना इनको संयुक्त राष्ट्र के बारे में। चलिए वापस आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एनसीसी द्वारा 71वां स्थापना दिवस मनाया गया, यहाँ पर एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है एनसीसी का, बताइए। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है इसका फुल फॉर्म। वर्ष 2019 में एनसीसी कैंडेटों द्वारा 71वीं वर्षगांठ, कौन सी, 71वीं वर्षगांठ बनाई गई। एनसीसी की स्थापना सबसे पहले 1948 में नेशनल कैडेट कोर अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, और इसका आदर्श वाक्य याद रखिए, ध्येय एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश भारत को MK-45 तोप सप्लाई करेगा? तो US करेगा, ये अमेरिका करेगा MK-45 तोप सप्लाई। तो देखिए, अमेरिकी विभाग ने भारत को $1 बिलियन की अत्याधुनिक MK-45 नौसैनिक तोपों को बेचने के लिए मंजूरी दी है। बात आती है अमेरिका की, तो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं कौन है, वो डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, अमेरिका से हमने अपने संविधान में बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया है, जैसे प्रियम्बल हो गया, सबसे पहला ही है, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, और मौलिक कर्तव्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, एकल न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस राज्य की राजधानी में मनाया जा रहा है? तो देखिए, ये मणिपुर की जो कैपिटल है,
इम्फाल उसमें मनाया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में मनाया जा रहा है। तो इसका आयोजन 23 से 25 नवंबर तक किया जाएगा और यह 8वां संस्करण होगा, याद रखना। और जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इस क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को उजागर करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सड़कें बनाई गई हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो सड़कें बनाई गई हैं वो जम्मू कश्मीर में बनाई गई हैं। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं कुल वो 22 हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो कुल 11,400 किलोमीटर सड़कें पूरी की गई हैं, यह कार्य प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2000 में। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में 500 से अधिक आबादी वाले और पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले सड़क से वंचित गाँवों को सड़कों से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने औषधि के रूप में उपयोग में लाने के लिए गांजे की खेती करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? औषधि के रूप में गांजे की खेती करेगा वो मध्य प्रदेश करेगा। कौन सा करेगा? मध्य प्रदेश, कैपिटल इसकी भोपाल। तो देखिए, इसका उपयोग मेडिकल और औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाएगा और किसान उत्पाद केवल सरकार को ही भेज सकते हैं इसे। और इसका उपयोग कैंसर के उपचार में चिकित्सा उद्देश्य के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कमलनाथ और जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क ही मध्य प्रदेश में, याद रखना। सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत को कितने साल बाद ओलंपिक में कोटा मिला है? कितने साल बाद ओलंपिक में कोटा मिला? इंडिया को 20 साल बाद मिला है। तो देखिए, 20 साल बाद इसका उत्तर हो जाएगा, एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले भारतीय घुड़सवार जिनका नाम है फवाद मिर्जा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कोटा प्राप्त किया है। इससे पहले इम्तियाज अनीस ने 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत ने पहली बार 1920 में ओलंपिक में भाग लिया और 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता, याद रखना। पहली बार 1920 में भाग लिया, जो पहला गोल्ड मेडल आया था वो 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में उड़ान योजना के तहत, किस योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत कलबुर्गी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जा रहा है। यह कहां पर स्थित है? कलबुर्गी हवाई अड्डा ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। क्या है कर्नाटक की कैपिटल? बेंगलुरु। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद कलबुर्गी हवाई अड्डे से केपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु के लिए पहली उड़ान भरी गई और उड़ान योजना की जो शुरुआत है वो 27 अप्रैल 2017 को की गई। इसका आदर्श वाक्य भी याद रखिए, उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। कोई नेशनल पार्क है क्या कर्नाटक में? बनेरघट्टा नेशनल पार्क, याद रखना। बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार द्वारा कितने प्लास्टिक पार्क के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा कितने प्लास्टिक पार्क के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। और कहाँ कहाँ बनेंगे वो, किस किस राज्य में? एक मध्य प्रदेश में, एक ओडिशा में, एक झारखंड में और तमिलनाडु में स्थित होंगे। मध्य प्रदेश के तमोट में प्लास्टिक पार्क शुरू भी हो गया है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेफ्टिनेंट शिवांगी भारत की किस सेना की पहली महिला पायलट बन गई हैं? लेफ्टिनेंट शिवांगी भारत की
सेना की पहली महिला पायलट बन गई हैं। तो ये देखिए, ये नेवल में गई हैं, नेवी में गई हैं, तो ये जल सेना हो जाएगा, मतलब नौसेना में गई हैं ये। तो देखिए, जो शिवांगी हैं वो मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं। भारतीय नौसेना का जो गठन है ये भी याद रखिए 1612 में हुआ था, और नेवी डे जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जो अगले महीने मनाया जाना है। और हाल ही में जो नेवी के जो चीफ बनाए गए हैं उनका भी याद रखना, एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। और इसका जो मुख्यालय है वो भी याद रखिए, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है ये। पहले भारतीय कौन हैं जिन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया? कौन है पहले भारतीय जिन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? चित्रेश नटसन। क्या नाम है इनका? चित्रेश नटसन। देखिए, 33 वर्ष के हैं चित्रेश नटसन, तथा उन्होंने दक्षिण कोरिया में आयोजित 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में 90 किलोग्राम वर्ग में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता है। चित्रेश नटसन पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, तथा इन्हें इंडियन मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ये फिजिक है, फिजिक। अब आज के प्रश्न जो आपको इसका आंसर देना है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले कप्तान जो हैं वो कौन बन गए हैं, बताइए इनका नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, या फिर शकीब अल हसन? इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो टेस्ट देखने के लिए धन्यवाद। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। बाकी UPSC की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रतिदिन उसका लाभ उठाते रहिए। बेल आइकन को प्रेस रखिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।